नमस्कार एंड वेलकम, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत की कला संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक विरासत की बेहद खूबसूरत झलक लिए हर हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं रंग तरंग के इस खास अंक के साथ। तो आज का एपिसोड भी बेहद खास है, साथ ही समर वेकेशंस आर ऑन यानी कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों का धमाल इस वक्त जारी है। किस तरह से बच्चों को आप भारत की कला संस्कृति से जोड़ सकते हैं और उनके साथ और ज़्यादा समय बिता सकते हैं, इस पर भी होगी खास रिपोर्ट। तो देर कैसे शुरुआत करते हैं रंग तरंग के। कहते हैं ना, बच्चे गीली मिट्टी के होते हैं, जो भी आकार दे दीजिए, जो भी दिशा दिखा दीजिए, बस वो वैसे ही हो जाएंगे। इस समय चल रही है समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियां, और सबसे बड़ी चुनौती है इस समय अभिभावकों के सामने कि कैसे वो अपने बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करें, उनकी ऊर्जा को सही दिशा दे सके। इस कड़ी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, विभिन्न वर्कशॉप्स चल रही हैं। आइए इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं बेहद खास कार्यक्रम समर्स एट NGMA, जहां पर NGMA में बच्चों के लिए पॉटरी, कोलाज मेकिंग, थिएटर, प्रिंट मेकिंग, तमाम तरह की वर्कशॉप्स चलाई जा रही हैं और बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों में हमेशा ही कुछ नया सीखने की ललक रहती है, जरूरत है सिर्फ सही मौके की और प्रोत्साहन की। गर्मियों की छुट्टियों के समय में अगर खेलकूद के साथ कुछ नया सीखने का अवसर मिल जाए तो क्या कहने। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों को विभिन्न कलाओं से जोड़ने के प्रयास इन दिनों चल रहे हैं। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में समर एट NGMA कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के दोनों को क्लब करके हम नए आइडियाज को डेवलप कर रहे हैं बच्चों के बीच में, तो वो बेहतर होगा। बहुत सारे प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट जो हैं, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, उन्हें कुछ आर्टिस्ट ने किया है, परफॉर्म करते हैं, वो लोग विजुअल आर्ट्स के साथ इंस्टॉलेशन करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, तो वो उस आइडिया को हमने बच्चों के बीच ले जाने का काम किया है। तो एक बहुत अच्छा वर्कशॉप चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब ये बच्चे और अपने स्कूल में जाएंगे, अपने विद्यार्थियों, अपने टीचर से सब शेयर करेंगे, तो वो एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा म्यूजियम के लिए। और जब म्यूजियम में आएंगे तो उनको हमारे मास्टर पीसेस के प्रति उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में बच्चों के लिए विभिन्न वर्कशॉप्स का आयोजन किया जा रहा है। वर्कशॉप्स में बच्चों को प्रिंटिंग, पॉटरी, क्ले आर्ट, थिएटर, पेंटिंग, आर्ट ऑफ पपेट्री आदि कलाओं से रूबरू किया जा रहा है। एक आर्टिस्ट हूँ जिसमें हर समय कुछ नया सीखने की इच्छा रहती है और इसी इच्छा के साथ
जब भी NGMA की वर्कशॉप्स होती है मैं कोशिश करती हूँ उनको अटेंड करने का और उसमें आने का, और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट आते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको समान रूप से सिखाया जाता है और कोई इसमें भेदभाव नहीं है। हर तरह के बच्चे आते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन भी आते हैं जिनको देख के बहुत जॉय मिलता है। और मुझे कोशिश रहती है कि कुछ भी नया तरीका कुछ सिखा रहे हैं तो मैं वो करूँ, आगे भी कुछ करती रहूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हर इस रूम में कुछ ऐसा नहीं कोई बड़ा है छोटा है, सब उम्र के, सब बच्चे बड़े, सब लोग साथ साथ सीख रहे हैं। बच्चे भी खूब उत्साह के साथ इन वर्कशॉप्स में हिस्सा ले रहे हैं। I feel very nice about the classes. I feel that as if I am retaining all my past and happy memories in this art class. I have learned how to do pottery since last time. It was the first time we were doing pottery. And I had also learned. I already knew painting, but I didn't know how to do perfect painting. Like, I have learned how to now paint without the color coming out of the line. And I have learned how to make things out of a circle, square, and be creative. I feel the classes enlighten us and awaken our inner soul. And they also encourage us to move a step forward in painting. मैंने लास्ट ईयर भी NGMA में अपनी समर कैंप्स आया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमें आके काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप पेंटिंग में हो तो आपको पेंटिंग के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी स्किल्स और न्यू टेक्निक्स सिखाई जाएंगी। अगर आप थिएटर आर्ट में हो तो आपको एक्टिंग, ड्रामा, ये सब सिखाया जाएगा। और क्ले पोएट्री में आपको एक्चुअली क्ले से कोई ना कुछ लाइक पॉट और कुछ बनाना सिखाया जाएगा। सो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर तो बहुत अच्छा है। यकीनन एक बेहद शानदार प्रयास इन नन्हे कलाकारों की ऊर्जा को सही दिशा देने का। कीर्ति बदेरा की रिपोर्ट, रंग तरंग, DD न्यूज। भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का कोई सानी नहीं, यही तो है वजह जिसकी वजह से भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। भारतीय कलाओं में गुरु शिष्य परंपरा की बहुत ज्यादा महत्ता है और आज भी गुरु और शिष्य इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही कार्यक्रम में, रिदम ऑफ रेवरेंस, जहां पर शिष्यों ने अपने गुरु उस्ताद KN दक्षिणमूर्ति को बेहद भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ाते हुए। रिदम ऑफ रेवरेंस, इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली के LTG सभागार में, जिसमें शिष्यों ने याद किया अपने गुरु KN दक्षिणमूर्ति को। रिदम ऑफ रेवरेंस भारतनाट्यम नृत्य शैली से सुसज्जित इस शाम में गुरु शिष्य परंपरा का आह्वान करते हुए शिष्यों ने अपने गुरु KN दक्षिणमूर्ति को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम को कोरियोग्राफ किया IIM के स्टूडेंट्स की वर्तमान गुरु सिंधु मिश्रा ने। आज की जनरेशन में ये शास्त्रीय संगीत और नृत्य सीखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, इच्छा है, विच इज वेरी वेरी इनकरेजिंग। हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जो ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इसका नाम हमने रखा है रिदम्स ऑफ रेवरेंस। मैं इन बच्चों को सिखाया है मैंने, इसलिए मैं इनकी गुरु कहलाती हूँ।
लेकिन मैंने जिन गुरुओं से सीखा है उनके प्रति आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित है। श्री गुरु के एन दक्षिणामूर्ति सर, श्री के जे गोविंदराजन सर और कमलिनी दत्त जी, इन तीनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, करने के लिए ही हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हर साल हम दो इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं ताकि ये जो यंग लड़कियां यहाँ सीखने के लिए आई हैं, इनके लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब इतनी मेहनत के पीछे कुछ तो प्रोत्साहन इनको ज़रूरत है। छात्रों ने इस कार्यक्रम को अपने माता पिता को भी समर्पित किया, जिनके अटूट समर्थन और प्रोत्साहन ने उन्हें एक नई दिशा दी। कार्यक्रम की शुरुआत में गणेश वंदना को राग बावली एवं ताल पर निबंध किया गया। इसके बाद राग तलंग में गुरु स्तुति की गई। अरुंधति चक्रवर्ती ने अपने नृत्य और भावपूर्ण प्रस्तुति से मीरा का चित्रण किया, जो अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से एक गुरु की मांग कर रही हैं, जो उन्हें शाश्वत श्री कृष्ण तक पहुंचने के मार्ग पर अग्रसर करेगा। बच्चों ने गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के प्रभु श्री रामचंद्र पर एक भजन के जरिए, राग सिंधु भैरवी एवं आदि ताल पर भरतनाट्यम की नृत्य प्रस्तुति दी। भरतनाट्यम नृत्य शैली के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करती, नृत्य और संगीत को समर्पित इस शाम में शिष्यों ने अपने शानदार अभिनय से और प्रदर्शन से अपने गुरु की विरासत को आगे पहुंचाने का काम किया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। भारत की जितनी भी नृत्य शैलियाँ हैं ना, सभी भावों से, अभिनय से परिपूर्ण है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी अपनी महत्ता है। आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद विशेष कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक था नयनम। यहाँ पर कलाकार ने भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुति के जरिए और सिर्फ अपनी नयनों यानी कि आँखों के जरिए अपने भाव प्रस्तुत किए। भरतनाट्यम कलाकार अपेक्षा निरंजन ने भरतनाट्यम नृत्य नयनम प्रस्तुत किया, जो आंखों के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली असंख्य भावनाओं और भावों की विषयगत खोज है। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। अपेक्षा निरंजन ने अपने भावपूर्ण और सुंदर प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत देवताओं की अलग अलग आकार की आंखों के बारे में अलारिपु से हुई। वर्णम में उन्होंने आंखों के माध्यम से व्यक्त की जाने वाली विभिन्न भावनाओं को दिखाने का प्रयास किया। कार्यक्रम की हाईलाइट रही पोलिश लोक संगीत,
की विशेष प्रस्तुति जिसमें एक युवा लड़की को अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते हुए दिखाया गया। इस गायन में सूरदास के भजन पर एक खंड भी था जो एक भक्त के अपने भगवान के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस प्रकार ये गायन पूरी तरह से आंखों की भाषा के बारे में था। दर्शकों को उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति थीम जिस तरह से टुकड़ों को एक साथ रखा गया था वे बेहद पसंद आया। ऐसा लगा कि कहानी के लिए किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं थी। कलाकार ने अपनी आंखों से ही चरित्र की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया। रंग तरंग डीडी न्यूज। काव्य शास्त्र की बात हो या फिर नाट्य शास्त्र की, इन दोनों में ही विभिन्न रसों का विस्तार से वर्णन किया गया है। सभी रसों की अपनी अलग महत्ता है। इसी कड़ी में आइए देखते हैं रंगतरंग में आज हास्य रस पर हमारी विशेष प्रस्तुति। भासो भासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः, ऐसी प्रसिद्ध संस्कृत सूक्तियों को आत्मसात करते हुए ही भारतीय ज्ञान परंपरा के लौकिक व उत्कृष्ट मानकों का नाटकों के रूप में प्रदर्शन हुआ करता है। जहां हास्य रस प्रधान प्रहसन की लोकप्रियता उसकी अद्वितीयता को स्पष्ट करती है। रूपकों के वर्गीकरण के क्रम में हास्य रस से परिपूरित प्रहसनों में उपहास, परिहास व सामाजिक परिस्थितिगत विडंबनाएं और अन्य विषयों पर व्यंग्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यद्यपि साधारण सृष्टि में जिह्वागत आस्वाद के अनुसार छह रस होते हैं, परंतु भावभूमि के अनुसार या रंगमंच पर भावों के अनुकरण के अनुसार कम से कम नौ रसों की स्वीकार्यता होती ही है। जहां हास्य यह रस रसराज श्रृंगार के सर्वोत्कृष्ट सहायक के रूप में माना जाता है, वस्तुतः चित्त या मन की प्रसन्नता को प्रतिबोधित करता हास्य रस व्यवहारगत या प्रसंगगत अनौचित्य में ही परिनिष्ठित नहीं होता, बल्कि हास्य मात्र प्रतिपादक विदूषक जैसे पात्रों व सभी महत्वपूर्ण विविध पात्रों के माध्यम से उदात्त लक्ष्यों की पूर्ति भी इसी रस के माध्यम से संपन्न हुआ करती है। हास्य का जो आधार है वो कुटोक्ति और व्यंगोक्ति होती है, और प्रायः राजतंत्र में राजाओं का और जो शासक होते थे उनको चेताने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए, उनको समाज की स्थिति बताने के लिए कवि हास्य रस का प्रयोग करते थे और कुटोक्तियों का प्रयोग करते थे। ये प्राचीन परंपरा थी और प्राचीन काल से बहुत सारे जो कवि हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त अधुनातन समाज को सहज रूप में अभिलषित इस हास्य रस की उपलब्धि भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारभूत भाषा संस्कृत द्वारा आज भी होती ही है। संस्कृत साहित्य के जो नाटक हैं, नाटकों में जो विदूषक हैं उनका हाव भाव चाल चलन, उनका जो कुछ भी वाक्य उच्चारण है उससे हास्य उत्पन्न होता है, लेकिन केवल मात्र पद्य का पाठ किया जावे और हास्य उत्पन्न हो जावे ऐसा बहुत कम दिखाई पड़ता है। हमने भी जो संस्कृत साहित्य में हास्य की कविताएं, व्यंग पद्य लिखे हैं उनको पढ़ते ही आपको हास्य या उनको सुनते ही आपके मन में हास्य क्या अवबोध उत्पन्न हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, क्या लय भवति शांतियुता परीक्षा प्रारब्धवान अनुचितम त्वथ कर्म चैकर दृष्ट्वा तु छात्रमथ
कक्ष निरीक्षकस्तम पूजे यदा किमपि तम प्रतिरोध काम रोकना चाह तो छात्रो जगाद सहसा कुरु नैव विघ्नम प्रत्यक्ष्यामि नानुकरणम च गुरु यतो ही। आपने मुझे सिखाया है क्या कि विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना और प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। अरे मूर्खा नत्र मार्गेशः मार्गसे मृत्यु भवति तसमे भावे सनिं स्थापयः। वस्तुतः संस्कृत अन्य भाषाओं की तरह आज भी समाज के दर्पण के रूप में साहित्य को अपने में समाहित करती ही है, पर यह प्रश्न अनायास ही उठता है कि यह हास्यरस किस प्रकार स्वास्थ्य को या कहें कि मानव जीवन को प्रभावित करने का काम करता है। It has been proven scientifically that when we engage in humorous conversation, the body releases chemical mediators called endorphins. It not only elevates the mood, but also brings down the blood pressure and improves the immune system. Therefore, it's important for us to inculcate the hasya or the humor in our daily conversations. Upasarami sundarim pariharami vedanam upasarami sundarim pariharami vedanam bholokame nakama sprashami satvaram। समग्र रूप में हास्य योग, हास्य दिवस, कवि गोष्ठी आदि समायोजनों द्वारा आधुनिक युग में ही हास्य या हास्य रस को प्रमुखता दी जा रही है ऐसा नहीं, बल्कि समाज के दर्पण के रूप में व्यवहारिक साहित्य में विशेषतः प्राचीन व अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में भी हास्य को दी गई युगातीत महत्ता अवश्य ही भारतीय ज्ञान परंपरा की विविधता और भारतीय समाज की चतुर्दिक व्यापकता की कहानी निरूपित करती है। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। छुट्टियों का मौसम चल रहा है, बच्चों ने धमाल मचा रखा है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें कला के किसी ना किसी रूप से ज़रूर जोड़ें और आप भी खुद उनके साथ मिलकर कला के इस समुंदर में गोते लगाएं। और इसीलिए हफ्ते दर हफ्ते हम हाजिर हो रहे हैं कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों को समेट के सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं, मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर, तब तक आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Thank you.